एलेक्स, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे गलत मत समझना, क्या तुम परफ्यूम यूज नहीं करते? खुद की बॉडी की स्मेल होती है ना, तो परफ्यूम की जरूरत ही क्या है? इसलिए तो पूछ रही हूँ ना, क्या तुम परफ्यूम यूज नहीं करते? तुमसे बदबू आ रही है। तुम्हें एक बात पता है? लोगों के रिलेशनशिप के बीच बस बॉडी स्मेल की वजह से ही हमारी जेनेटिक्स का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग ऐसा कहते हैं, अगर तुम मेरी यूज की हुई टी शर्ट पहनती हो और अगर तुम्हें पसंद आता है तो इसका मतलब है कि हम दोनों जेनेटिकली कंपैटिबल हैं। ठीक है, तो कल तुम अपनी बिना धुली हुई टी शर्ट ले आना, मैं उसे स्मेल करूंगी। क्या मैं अपना अंडरवियर लाऊं? रिजल्ट अच्छा होगा। एक और टेस्ट है जिससे रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, क्या मैं दिखाऊं? क्या है? ये क्यों फोन कर रही है अभी? कोई जरूरी बात होगी। हेलो, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ।
मुझे जाना होगा। अरे रुको तो, मैं बैग तो ले लूं। बहुत परेशान करती है। कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर मैं? मुझसे ज्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। देखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और वो मेरी गर्ल बेस्टी है। गर्ल बेस्टी? अब चलो आ जाओ जल्दी। मैं आ रही हूँ, खींचो मत। आ रही हो ना? हे, भले ही जरूरी काम के लिए कॉल किया हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरा टाइम डिसाइड करोगी? मेरी भी अपनी जिंदगी है। मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। जब तुम इसे जल जाओ तो दे देना। अब तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हो? Hey, please try to understand, please. मुझे एक आइसक्रीम देना। तुमने मेरी सिगरेट क्यों फेंक दी? 18 रुपए प्लस GST। अच्छा तो ये आ गई। ये क्या, आज आइसक्रीम की जरूरत है? देखो, मुझे इसकी हमेशा जरूरत रहती है। अरे सुनो, देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। वैसे अब तक तुम्हारे कितने ब्रेकअप हुए? ब्रेकअप? वेट 1 सेकंड। 1, 2, 3, 4। ओके, इस साल मैं 4। इसके हाथ में देखकर चुप करो और बाइक स्टार्ट करो, लेट हो रहा है, मुझे घर छोड़ो। इन 5 सालों में इसने जितना ब्रेकअप किया, उन पैसों से मैंने आइसक्रीम खरीदा था, समझे? उन पैसों से मैं आज शोरूम खरीद सकता था। मैं एक ऑटोप्रेनर या फिर ओनर होता। ठीक है, बड़ा आया ऑटोप्रेनर, नॉनसेंस। ओके, वैसे ये बताओ तुम घर क्यों जा रही हो? हाथ पर लाइंस ड्रॉ करने के लिए? मेरी बात मानो, मुझे नहीं पता, चलो मुझे घर जाना है। अभी समय क्या हुआ है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस समय तुम्हारी माँ से मिलूं? देखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कायल को भी बहुत अजीब और गरीब टाइम पर लेकर गया था। क्या तुम अब तक उसके घर नहीं गई? मैं कभी इसके घर नहीं गई और मैं अभी इस वक्त तुम्हारे घर नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके घर जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि इस समय इसकी माँ कूल और फ्रेश होगी। अभी तुम्हारे लिए जाना बहुत अच्छा होगा। आर यू ओके? और मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रीट अभी बाकी है। हाँ, और वहाँ पहुँचने के बाद मेरे लिए फ्राइड राइस और रोज मिल्क ऑर्डर कर देना। अपने फोन से ऑर्डर करना, ठीक है? और तुम्हारा हालचाल ठीक है ना भाई? जस्ट शट अप एंड से। ओके ठीक है, देखना कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। हाँ, हम तीनों के पास हेलमेट है, नो प्रॉब्लम यार। चलो यार, संभाल कर बैठना, शट अप से मुंह बंद कर अपना। ओके, तुमने कहा था तुम्हारे घर जा रहे हैं, अब ये क्या है? उसका घर जूस की दुकान के ऊपर पहले माले पर है। ओह माय गॉड। हे भगवान, ये रोड इतना बिजी क्यों है सब? ये हमेशा ऐसे ही बिजी रहता है। अभी 12 बज रहे हैं। तुम कभी उसके घर नहीं गई क्या? नहीं, मैं इसके घर कभी नहीं गई। जाओ जाओ, तुमने फोन पे बात कर ली है। मैंने उससे बस वीडियो कॉल पे बात की है। वेलकम होम। हाय आयशा, कैसी हो तुम? I'm good. Hey, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि ये आने वाली है, तो मैं अच्छे से रेडी हो जाती। क्यों, इस ड्रेस में क्या बुराई है? वैसे भी वो आपको प्रपोज करने तो आई नहीं। कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऐसे कपड़े नहीं फेंका करते? कायल का फोन है, प्लीज प्लीज चुप चुप चुप। हेलो, वो फोन कर रही है, ये कहां घर पहुंचा है? वहां के अंदर आर्टिस्ट टेस्ट है, उनके पास बेस्ट कलेक्शंस है। आयशो, तुम चाय पियोगी? नहीं नहीं, थैंक यू। चाय की जरूरत नहीं है, एक बड़ा ट्रीट वेट कर रहा है। अभी अभी यशु का ब्रेकअप हुआ है। अरे मैं बस बता रहा हूँ, इसलिए हम फ्राइड राइस और रोज मिल्क ऑर्डर देने जा रहे हैं। अगर आप कहें तो आपके लिए भी ऑर्डर कर दें। ठीक है, ओके सुपर। लाओ अपना फोन, तो ऑर्डर करता हूँ। वो चार्ज नहीं है। अरे मेरे फोन में बैलेंस नहीं, लाओ ना। तुम चुप रहो। अरे यार, मैं इसे सिर्फ ऑर्डर देने के लिए कह रहा हूँ। अरे मैंने कहा ना, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, लाओ मुझे दो। अरे क्या कर रही हो, छुओ मत मुझे, शर्मा की बात हो ना, क्या कर रही है? देखो अच्छी बात नहीं है, दो मुझे। कितनी बार बोलना पड़ेगा कि चुप रहो? मैं कायल से बात कर रहा हूँ ना। हाँ कायल, क्या वो यहाँ से कैसे निकला? ये घर एक पजल की तरह है, समझी? वो किसी भी रास्ते से अंदर आ सकता है। लाओ अपना फोन दो मुझे। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, सच में दर्द हो रहा है। दुखी मत हो ऐशो, इसे खाओ, बहुत ही टेस्टी बना है। आप चिंता मत कीजिए, उसकी किडनी बेचकर ट्रीटमेंट तो जरूर करवा दूंगा मैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? अरे यार कैसी बात करते हो, मेरे पास एक ही जोड़ी किडनी है। उसे पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी इसे किडनी बेचना है, वो भी तुम्हारी। हाँ? किडनी। हाँ। यार ये क्या कह रही हो? अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मेरे माता पिता को पता चला तो मार डालेंगे मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इन सबसे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यशु, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। वो क्या है, जेंटिनेंटल कॉन्टिनेंटल यूरिन, ये सब क्या है?
बेब, लिसन, आई रियली लव यू, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद है। आई नीड माई ओन किड्स विद यू कैरिंग देम, नॉट समवन एल्स। आई एम रियली सॉरी। सच में तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तुमने डॉक्टर से कंसल्ट किया क्या? बेब, आई वांट टू टेल यू समथिंग। यप, गो ऑन। सी, इवन आई डोंट लाइक किड्स। ओके। बट मुझे शक है कि इससे हमारी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। आई नो इट वोंट। ओके। व्हाई डोंट वी हैंग आउट लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? हां? व्हाट द हेल? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स आर, तुम्हारा इसे क्या मतलब है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मतलब है कि मैं तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करूंगा। हालांकि हम फिर भी सिर्फ दोस्त रहेंगे। नो इमोशंस, ओनली सेटिस्फेक्शन। हे ऊपर वाले, दोनों को बुद्धि दो। अशो, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? कैंसर? अरे नहीं मॉम, उसे कोई कैंसर वगैरह नहीं है। दरअसल उसका मैटर इंटिमेसी है। मैटर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बच्चे को गर्भ धारण करने में है। क्या तुम दोनों चुप हो सकते हो? मैं चुप हो जाता हूँ। क्या बोल रही है आंटी? एक्चुअली 5 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे पेरेंट्स तो नहीं रहे, लेकिन बस मैं बच गई। यही प्रॉब्लम है। और जो हॉस्पिटल जहाँ पे मैं एडमिट थी, वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बड़ा शॉक दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का क्या नाम था? हाँ, वरुण। हाँ, उसने तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। सही कहा। और उसने किसी से शादी कर ली और खुशी से जी रहा है। तुम इस बात पे इतना खुश क्यों हो? अजीब सा इंसान था वो। ओ नहीं, क्या तुम पर भूत प्रेत का साया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इडियट है। अरे मॉम, नहीं नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं है। बात दरअसल ये है कि इसने उसे छोड़ दिया। ओह, तुम्हारा मतलब जैसे तुम्हारे पिता ने किया था। मॉम, अब ये बातें क्यों कर रही हैं? माँ, माँ, पिताजी को इसका चेहरा पसंद नहीं था, इसलिए वो चले गए होंगे। कुछ भी मत बोलो। हाँ, सही कहा। उनकी शक्ल तो वैसे मुझसे भी भयानक थी। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी माँ बहुत सुंदर है। और देखो, आज भी चमक रही है। माँ हमेशा खूबसूरत होती है यार। कैसी बात करते हो? एवरग्रीन। माँ, मुझे वॉशरूम जाना है, चलो ना। तुम मुझे इसलिए लेकर आए हो? चलो जाओ, चलो जाओ। अरे जाओ ना। गेट लॉस्ट यू इडियट। एलेक्स, क्या मैं तुम्हारी आके अंदर मदद करूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरे बोलो ना। हाय मॉम, ये इशू है जिसके बारे में बताया था। हेलो आंटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? इसने बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो गई। फिक्र मत करो, हम लोग है ना यहाँ, है ना अजय? बिल्कुल। आंटी, होप अजय ने आपको सब बताया होगा। इसने बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे और तुमने 2 साल पहले दादा दादी को भी खो दिया। हम कास्ट और रिलीजन में परवाह नहीं करते। वी आर वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग पीपल। और क्या बेटा? आंटी, क्या अजय ने आपको मेरे हेल्थ इश्यू के बारे में बताया? हेल्थ? किसकी हेल्थ? आई डिडंट टेल हर। अजय, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम। क्या हेल्थ प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं मॉम। क्या? मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही हूँ, तुम लोग बता क्यों नहीं रहे? बताओ, तुम बोलो इशू। एक्चुअली वो आई एक्चुअली हैव सम हेल्थ इशू। वो मेरे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। मैं कभी कंसीव नहीं कर सकती। ओके, मुझे थोड़ा समय दो, मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ। अजय, बस 5 मिनट वेट करो, मैं मॉम से बात करके अभी वापस आता हूँ। मॉम, क्या कहना चाहते हो? आप क्या कह रही हैं मॉम? हाँ, मेरी बात सुनिए। इस मॉडर्न जमाने में अभी भी आप पुराने ख्यालात की हैं। आप जानती हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है। मैं उससे प्यार करता हूँ मॉम, आप समझती क्यों नहीं है? नहीं अजय, हम हॉस्पिटल और अनाथालय के पीछे नहीं भाग सकते। अनाथालय की बात मत कीजिए, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। तुम
तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छा आदमी है। क्या तुम उसके बाद उससे दोबारा नहीं मिली? वो चला गया और कभी वापस नहीं आया। वो भी यही कहानी सुनाता है कि मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरे पिता ठीक नहीं है, मेरा कुत्ता ठीक नहीं है, ये सब ड्रामा है। देखो ऐशु, तुम इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मैं और कायल पहले शादी करेंगे और उसके बाद हमारा क्यूट सा बच्चा होगा, और तुम एक काम करना, तुम उसकी गॉड मदर बन जाना। सीरियसली, अच्छा रहेगा। चुप हो जा, क्यूट बेबी, वो बच्चा तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह चिड़चिड़ा होगा। सही बोल रही है वो। लेकिन जो भी हो, चुप हो जा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम चिंता मत करो ऐशु, ऊपर वाला तुम्हें एक जल्दी ही अच्छे लड़के से शादी करवा देगा। नो वे, अब मुझे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है। जब भी मुझे किसी आदमी से प्यार हुआ है, उसका अंत हमेशा ब्रेकअप ही हुआ है। अब मैं इस ड्रामे से सच में परेशान हो गई हूँ, और अगर सब कुछ जाने के बाद भी कोई मेरे से शादी करता है तो मुझे ये अथॉरिटी कौन देगा कि सेम माइंडसेट ही रहेगा उसका? बट एक्चुअली मैं उनमें से किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, पता है? इसलिए अब मेरे पास एक आइडिया है। वो आइडिया क्या है? लड़कों के पीछे जाने से अच्छा है कि अब मैं लड़कियों के पीछे जाऊँ। ए पापी, क्या तुम स्ट्रेट नहीं हो? बायो हो, होमोसेक्सुअल हो? मुझे तो पहले ही डाउट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? मेरा मतलब था कि मैं लड़कियों के पीछे IVF के लिए जाऊंगी। उस प्रोसेस से कोई लड़की बच्चा कंसीव करेगी और मुझे दे देगी। IVF मींस, अच्छा सुनो, सोचो, ये एक ओवम है और यहाँ पे स्पर्म है। अब इस ओवम और स्पर्म को लैब में ले जाकर एक प्रोसेस करेंगे और उससे एक एम्ब्रियो का निर्माण होगा। क्या तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? हमने बायोलॉजी में पढ़ा है ना? उसके बाद उस एम्ब्रियो को किसी के यूट्रस में डालेंगे और फिर सेम एम्ब्रियो ग्रो करेगा किसी के यूट्रस में, और इसी को IVF कहा जाता है। अब मेडिकल फील्ड बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। हाँ, कुछ तो ठीक है, लेकिन एग यहाँ पर है और यूट्रस का हम इंतजाम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम स्पर्म कहाँ से लेकर आओगे? इडियट, अभी तुम्हें बताया ना मैंने, ऐसे लोग होते हैं जो स्पर्म देते हैं, और वही लोगों को स्पर्म डोनर्स कहा जाता है। अच्छा, स्पर्म डोनर्स भी होते हैं। लिसन, अब मेडिकल फील्ड हाईली एडवांस्ड है, राइट? ओके, अब हम बेबी का फीचर भी चूज कर सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उस बेबी के ब्लू आईज चाहिए तो हमें वो स्पर्म डोनर ढूंढना होगा जिसके ब्लू आईज हो। फिर उस स्पर्म को मेरे ओवम से मेट होना होगा IVF के प्रोसेस से, और इससे आई कैन कस्टमाइज माई ओन बेबी। फॉर एग्जाम्पल, आंख का कलर, स्किन टोन, बाल का टेक्सचर, लाइक मुझे स्ट्रेट चाहिए या कर्ली हेयर चाहिए, और इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं बेबी। ओके, क्या हैरानी की बात है, क्या हम बच्चों को भी ग्राइंडर की तरह कस्टमाइज कर सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी है? मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है। इफ यू ओके, क्या मैं स्पर्म डोनर बन सकता हूँ? कोई चांस है क्या? क्योंकि ये हर दिन बर्बाद होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोड़ो, कॉलेज के दिनों से ही मुझे तुम पे क्रश है, इसलिए तुम्हारा ओवम और मेरे स्पर्म के मिलने से एक मलयाली तमिल बेबी, हाइब्रिड बेबी पैदा होगा। इट्स गुड। उससे तो सुना तक नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया होगा। यक, व्हाट इशू? ए एलेक्स, मुझे उस लड़की पर दया आती है। कौन सी लड़की? और कौन है शु? उस लड़की का और कौन है बताओ? उसकी कहानी सुनते समय मुझे उन तकलीफों की याद आ गई जो मैंने झेली थी। हर किसी का जीवन 18 वर्ष से शुरू होता है, लेकिन उन्होंने शादी के नाम पर मेरी जिंदगी खत्म कर दी। पापी कहीं का। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तुम्हारा जन्म हो गया जब मैं 19 साल की थी। जब वो चले गए तब तुम्हारी उम्र 2 साल की रही होगी। चले गए? इतनी इज्जत क्यों? ठीक है, ठीक है, जब वो हमें छोड़कर चला गया। हाँ, ये सही है। मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर छोड़कर उनकी तलाश में गांव-गांव जाया करती थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। सबने मुझे छोड़ दिया, तब मेरे लिए कोई नहीं था, सब मुझे छोड़कर चले गए। कोई नहीं था मेरे लिए उस समय, मैं अकेली पड़ गई थी। जब जीवन शुरू होना चाहिए था, हमें फैमिली और भविष्य से अलग कर दिया गया था। सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए। वो दर्द बहुत ही भयानक था।
कम से कम तुम मेरे लिए यहाँ हो, लेकिन उस लड़की का कोई नहीं है। ऐशु पर दया आती है। तुम सो गए, सो जाओ, सो जाओ। माँ, माँ, अच्छा आप यहाँ हैं। खाना बनाने के लिए इतना मेकअप क्यों करती हैं? देर रात तक किससे बातें कर रही थी? मैं सुनते सुनते सो गया। क्या मैं तुम्हें कहानी सुना रही थी? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा मत करिए माँ। ए, छोड़ मुझे। माँ। ए, दफा हो जा। माँ। ए, तुम्हारे मुँह से बदबू आ रही है, जाओ और ब्रश करो। अरे जानो, चल जा, जल्दी जाओ। पागल कहीं का। ब्रश नहीं करता है, नालायक। नहीं, कायल आ जा। मैंने अभी तुम्हारा कॉल देखा। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? तुम्हारे पास फोन और गर्लफ्रेंड है क्यों? नहीं कायल, मैं बस अभी नहा कर आया। तुम कब आई? डोसा खाओगे? नहीं, मैं खा कर आई हूँ। हे आयशु, हेलो आयशु, खाना खा लिया? कल रात तुम अपनी वॉच यही भूल गई थी, मैंने इसे संभाल कर रखा है। तुम कब आओगी? जल्दी आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, ठीक है? तुम कल रात जल्दी सो गए थे? हाँ। झूठ बोलना बंद करो। कायल, कल रात आयशु चड्डी टी शर्ट हाँ, जल्दी आ जाओ, ठीक है? ये मेरे लिए अब रोज की बात हो गई है, दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ, कहाँ गई वो? आंटी, आंटी, हाय आंटी, हाय आयशु, हाय। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी। सॉरी आंटी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। मैं सलून गई थी, क्या मैंने आपको ज्यादा इंतजार कराया? मैं हेयर कर्ल कराने गई थी। बहुत ही सुंदर लग रही हो आयशु। मैं भी बॉय कट करवाना चाहती हूँ। मैं अपने हेयर को ग्रीन, पर्पल, ब्लू ऐसे बहुत से कलर करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मना करते हैं, इसलिए मैं नहीं करवाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? सुपर्ब है। क्या तुम मेरे लिए करोगी? पोस्ट ब्रेकअप है। लास्ट टाइम जब ब्रेकअप हुआ था तब मेरा बॉय कट था, अब मैंने कर्ल करा लिया। वेरी गुड, हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हो गए। वॉच ले लूं? अरे सॉरी, ये बहुत सुंदर है, पहन लो इसे। ओके, थैंक यू। ये बताइए, ये एलेक्स कहाँ है? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती हो? उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में चली गई है, अब उसके पीछे वो गिड़गिड़ाते हुए वो भागेगा। तुम भी देख लेना, यही उसका रोज का काम है। ठीक है छोड़ो। हाँ। तुम मुझे हमेशा आंटी आंटी क्यों कहती हो? तुम मुझे मरियम कहा करो, मुझे ये पसंद है। मैं आपको मरियम कैसे बुला सकती हूँ? लाइए मैं काट दूँ। आमिर और दूसरे लोग आपको माँ बुलाते हैं, मैं आपको मरियम कैसे बुला सकती हूँ? मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 30। मेरी बस 20 साल की बड़ी हूँ। जस्ट 20 इयर्स। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आपके नाम से बुला सकती हूँ, लेकिन अगर एलेक्स ने मुझे डांटा तो आप मैनेज करना। वो कौन है डांटने वाला? ये मेरा नाम है।
और मुझे मरियम कहा करो। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैंने मरियम तो सुना है, लेकिन ये मरियम क्या है? ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक है जो आपसे हुआ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, बाइबल में बहुत पहले हिब्रू में मरियम को मरियम लिखा जाता था, और फिर ये मरियम की स्टोरी है। यही नाम बदल कर मरिया, मैरी, मेरी, मैरी एक्सेट्रा। मरियम थोड़ा डिफरेंट लगता है ना? बट क्या इसका कोई स्पेशल मीनिंग है या सिर्फ मदर मरियम है? तुम्हें नहीं पता है? मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एक दिन जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मैंने गूगल पे इसका अर्थ ढूंढा। मरियम का क्या मीनिंग है? इसका अर्थ है विशेस ऑफ बेबी। ओह इज़न्ट। इसका मतलब है एक माँ जो एक बच्चे के लिए बहुत तरसती है। ओह, अब मुझे लगता है मुझे भी अपना नाम मरियम करना पड़ेगा। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। हाँ याद आया, आपने कहा था कुछ गुड न्यूज है। क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो मेरे लिए बेबी कैरी करेगी? हाँ, सच में बेवकूफ हो। तुमने कंज्यूरिंग जैसी कोई बात कही, ये वो दिस डैट, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया सच में। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसके बारे में सोचा, फिर मैंने इसे गूगल पर सर्च किया। तुमने जैसा कहा कि हम डेट कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, फिर हम ग्रीन आईज बेबी पैदा कर सकते हैं। जब मैंने इस बारे में सर्च किया तो देखा कि हर तरह से पॉसिबिलिटी है यीशु, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। ओह नो, अगर एलेक्स को ये सब पता चला ना तो वो मुझे मार डालेगा। आपको याद है उस रात मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी और फिर मैं इस प्लान के साथ आ गई जब मैं यहाँ आई थी पहली बार, याद है? अगर आप ये करोगे, क्या आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी? एलेक्स क्या बोलेगा? वो शादी करेगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर मैं सिंगल रह जाऊंगी। मुझे अपनी लाइफ के बारे में फैसला करना होगा ना। आप सिंगल हो वो ठीक है, बट आयशु मेरी बात सुनो, उसकी या सोसाइटी की चिंता मत करो, ठीक है ना? तुम्हारे खातिर मुझे एक ग्रीन आईज बेबी को जन्म देना ही होगा। हम दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करेंगे। कैसा है मेरा आइडिया? ये पॉसिबल कैसे है माँ? सॉरी मरियम, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पॉसिबल है। तुमको ये गुड न्यूज देने के लिए मैंने सुबह से स्वीट तैयार करके रख ली थी। मैं उसे बाद में इसके बारे में बताऊंगी। तुम परेशान मत हो, पहले स्वीट तो खा लो। आओ मेरी बात सुनो, तुम अच्छे से पहले स्वीट खाओ, परेशान मत हो। दोस्त, उससे कहो कि तुम कल रात मुझसे बात कर रहे थे तो तुम्हें डांटेगी नहीं। डांटेगी तो नहीं, पर मार जरूर देगी। भाई वो मेरी सिस्टर है यार। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर जाते हैं और फिर बात करते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ओके ओके, तुम्हें अपनी फैमिली प्रॉब्लम का ध्यान रखना होगा, ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, जल्दी से मसले को सेटल करो। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ, लेकिन 10 मिनट में मुझे कॉल कर देना, ठीक है? भूलना मत, मैंने तुम्हारा नंबर मैनेजर नाम से सेव किया है, समझ गए? मैं उससे कह दूंगा कि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज सब संभाल लेना, प्लीज फोन बाहर निकाल कर रखो। ये एक ऑब्लिगेशन है, मुझे मैनेजर मत कहो, एमडी कहो। एमडी, हां एमडी, एमडी प्लीज कॉल करना। ओके ओके, भूलना मत, जाओ, भूलना नहीं। चलो प्लीज भाई, प्लीज डिसअपॉइंट मत करना। तुम यहीं बैठो। हाय। अरे भाई, चिकन फ्राइड राइस और चिकन 65। ओके, क्या तुम कभी अकेले नहीं आ सकते हो? या तो ये या तो वो। तुम फिर से शुरू हो गई। देखो मेरी एक मीटिंग है, जैसे ही कॉल आएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब मेरे घर से गई तब गुस्सा करना जरूरी था क्या? हाँ, मेरी माँ क्या सोचेंगी? हाँ, जब मैं कॉल करती हूँ तब तुम्हारे पास काम के बहाने होते हैं, लेकिन ये बेकार के लोगों के साथ घूमने के लिए बहुत टाइम है। अगर वो कॉल करे तो काम छोड़कर चले जाते हो तुम। तुम्हारी माँ ने मुझे देखा तक नहीं और उससे फोन पर बात करने लगी, तो मैं चिंता क्यों करूँ कि वो क्या सोचेंगी? आयशु के पास कोई भी नहीं है सिवाय मेरे, मेरी माँ के और आमिर के। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास परिवार है। कोई परेशानी होगी तो परिवार तुम्हारा आ सकता है, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं है। और बस इसीलिए दिस इज माई प्रॉब्लम, तुमने इस लिस्ट में अपना नाम तक नहीं बताया। जब मैं कहूँगा तभी मानोगी क्या? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ? जरूरत पड़ने पर क्या मैं कभी नहीं आया? बस बहुत हो गया, अपना झूठ बंद करो। देखो, जब भी मैं यहाँ होता हूँ किसी और के साथ या अपने काम पर, तुम क्या करती हो? तुम कॉल कर देती हो, मैं कुछ नहीं कहता।
अगर हमेशा इसी तरह से झगड़ती रहोगी तो कोई भी झूठ बोलेगा। हे, मेरे घर में हमारी शादी के लिए कोई अग्रे नहीं है, लेकिन क्या तुमने कम से कम इस बारे में बात की? कभी कुछ सोचा इस बारे में? बस हमेशा उसके पीछे घूमते रहते हो। मेरी कोई टेंशन है भी तुम्हें? देखो, अगर तुम्हारी तरफ से किसी को भी मेरी जॉब या फिर मेरे कैरेक्टर से प्रॉब्लम है तो मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा रिलेशन। मेरी माँ सिंगल है, इस बात से प्रॉब्लम है। मेरा बाप हमें कई सालों पहले छोड़ गया, ये भी प्रॉब्लम है। अब ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं ये बात समझती हूँ। तुम अपनी माँ को मेरे घर लेकर आओ और कम से कम बात तो करो। हो सकता है वो कन्विंस हो जाए। तुम उनके साथ घूमते रहते हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, अभी तुम जाओ। मैं मॉम से बात करके उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारे घर आए, लेकिन तुम भी अपने घर पर ये बात बता देना। पहले ही मेरी माँ कहती रहती है कि मेरे सारे दोस्त शादीशुदा हैं, लेकिन मैं नहीं। प्लीज कुछ करो, तुम जल्दी मेरे घर आकर बात करो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जल्दी आना बात करने। हाय सिस्टर, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि नाराज हो गई वो? यार अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और तू उससे पहले अब सिस्टर। हे बेवकूफ, मैं उसे ये कह रहा था कि हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है और मुझे जाना होगा, लेकिन तुम यहाँ पर बैठकर आराम से खाए जा रहे हो, वो भी इस तरह। वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? सोचा है? अब नहीं दोस्त, जब तुम बात कर रहे थे तो मैंने लंच का ऑर्डर दे दिया। फ्राइड राइस अच्छा है, अब मस्त है यार। अच्छा, पर मेरी बहन का दिमाग एकदम बच्चों जैसा है यार। क्या तुम इसे इजीली धोखा नहीं दे सकते? समझे, लो खाओ। खा ले। ए, इसका स्वाद अच्छा है यार। अरे तू ही खा। मरियम, समंदर देखो कितना रिफ्रेशिंग और पीसफुल है ना? हाँ ऐशु, जब हम बीच पर आते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। जब भी मैं उदास महसूस करती हूँ तो आमिर और एलेक्स से कहती हूँ कि वो मुझे यहाँ छोड़ दे बीच पर। वो मुझे यही अकेले छोड़कर चले जाते हैं। मैं चलते चलते बहुत दूर निकल जाती हूँ। मैं बहुत परेशान रहती थी। अब तुम साथी बनकर आई हो, फ्रेंड बनकर कंपनी देने, अब हम दोनों साथ चल सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे लवर्स घूमते रहते हैं और अब हम दोनों घूम रहे हैं। हाँ हाँ, ये बहुत ही जॉली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें वो गुड न्यूज सुनाऊँ? हाँ? मुझे मंडे डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिला है। क्यों, क्या आप ठीक नहीं हो या आपका हेल्थ चेकअप है? तुम पागल हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करूंगी। नो मिरियम। क्या? एलेक्स मुझे सच में मार देगा। वो क्या करेगा, मैं उसे मना लूंगी। ओ नो, ऐसा मत करिए मरियम। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, और हम खुशी खुशी बच्चे को साथ लेकर आएंगे। मरियम, एलेक्स सच में मुझे मार देगा, प्लीज समझिए। क्या आपने उससे इस बारे में बात की? उससे क्या बात करूं? वो उस लड़की के साथ घूम रहा है, उसे शादी करके चला जाएगा। मुझे अपना डिसीजन लेना होगा ना। हम दोनों उस बच्चे को जन्म देंगे और अपने लाइफ में खुश रहेंगे, ठीक है? मरियम प्लीज आप समझिए, एलेक्स को ऐसा लगेगा कि मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ आप दोनों के बीच। प्लीज समझिए, वो आएगा और चिल्लाएगा मेरे ऊपर। प्लीज समझिए, हमारी खुशी हमारे साथ में है शो। मैंने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने का निर्णय ले लिया है। यू डोंट वरी, बी हैप्पी। तो आपको मुझे एक बात प्रॉमिस करनी होगी। क्या है? हम जाएंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, और अगर डॉक्टर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप जिद नहीं करोगे। ओके, आपको ये प्रॉमिस करना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, आपको ये प्रॉमिस याद रखना होगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ओके, बट जाने से पहले हमें एलेक्स को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ, चलो उससे बात करते हैं। आर यू श्योर? श्योर ऐशु। ओके, खाओ ऐशु। आई एम डन मरियम, बहुत स्पाइसी है। मैंने हरी मिर्च निकाल दी है, खाओ इसे अच्छे से। मुझे वो दिखाओ जो हमने पहले देखा था ऐशु। ये वाला? हाँ करेक्ट, ये अच्छा लग रहा है ना? ग्रीन? ग्रीन अच्छा लग रहा है शो। ग्रीन गॉर्जियस होता है। हाँ, ग्रीन साड़ी में तुम गॉर्जियस दिखोगी और उसमें तुम यंग भी दिखोगी। इधर आओ। तुम ये बताओ, तुम्हें किसने कहा कि मैं साड़ी का कलर देख रही हूँ? तो फिर हम आंखों के कलर को चूज कर रहे हैं। आईज, आईज क्यूब नहीं, आईज, समझ गए? फिर तो ब्लू कलर और अच्छा रहेगा, है ना? हाँ। दोनों में से किसी एक कुछ हो? एक छो। करेक्ट ऐशो, ग्रीन कलर इज द बेस्ट। ओके मरियम। हे, ये क्या है? तुम मेरी मॉम को उनके नाम से क्यों बुला रही हो? हाँ, आपका नेम मरियम है, राइट? राइट। हाँ, उनका नाम मरियम है और सिर्फ मैं ही उन्हें ऐसा कह सकता हूँ। ये मेरी माँ है। हे,
वो मुझे ऐसे बुला सकती है। अब हम दोनों अच्छे BFF बन गए हैं। ओहो, BFF का फुल फॉर्म भी पता है क्या? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, सही कहा ना? हाँ, लेकिन जरा बच के, ये बहुत शातिर है मैं बता रहा हूँ। वैसे लेकिन क्या तुम कॉन्टेक्ट लेंस ऑनलाइन मंगा रही हो? तो मेरे लिए भी ब्लू लेंस मंगा दे। पागल, हम बच्चा पैदा करने वाले हैं। ओ अच्छा, क्या? हे, क्या कर रहे हो? उस पर दया आती है, उसका कोई नहीं है, हमें उसका ख्याल रखना होगा। अच्छा, तो क्या मेरी मॉम तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करेंगी? तुम्हें अपने घर में रखकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। तुम उसे क्यों डांट रहे हो? मैंने खुद सोचा है। मैं प्रेग्नेंट होने के लिए और एक बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। क्या इस उम्र में आपको प्रेग्नेंट होना है? हाँ, आपको दरअसल अपने बेटे की शादी के बारे में सोचना चाहिए, प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? तुम उन्हें ओल्ड क्यों बुला रहे हो? She is not that old, हाँ? हाँ, सही कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे मैं 60 या 70 की हो गई हूँ? मैं बस 50 की हूँ। मैं 50 की उम्र में बच्चा पैदा मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखो मरियम, OTT पर बकवास फिल्में देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रील और रियल लाइफ में अंतर होता है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चिढ़ाएगी माँ। प्लीज माँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसे चिढ़ाने दो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम डिजर्व करते हो। तो जो भी मेरे साथ हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हा? आपके हस्बैंड ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी ना, उस वजह से मैं कायल के पेरेंट्स को मना नहीं पा रहा हूँ। वो चाहती है कि आप उसके घर जाकर बात करें, लेकिन यहाँ तो आप बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं। उसके बाद उसके घर जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है? ए, अगर ये कायल नहीं तो उसके जैसी और भी होगी। ऐशु, क्या तुमने अभी उसका चेहरा देखा है? वो बहुत भयानक लगती है। नहीं मरियम, वो इसके लिए जरूरत से ज्यादा है। ओ, दोनों ने हाथ मिला लिया है ना? ए, जा रहे बात करनी। ए, उस रात तुम सो रहे थे, तुमने भी कहा था ना कि तुम नींद में खराटे ले रहे थे। तुम्हारे सो जाने के बाद मैंने गूगल पर सर्च करके देखा, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, क्या ऐसा होगा या नहीं। सभी पॉसिबिलिटीज है मुझ में, मुझे सब अच्छे से पता चल गया है। कल हम फर्टिलिटी क्लिनिक जा रहे हैं, ये हमने फिक्स कर लिया है। ओके, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं ही लेट चल रहा हूँ, आमिर को ये बात पता है क्या? हाय माँ, बहुत गर्मी है ना? हाँ, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है। माँ, सुबह 9 बजे तुम तैयार रहना, ठीक है? मुझे एक छोटा सा काम है, मैं उसे निपटा कर तुम्हें पिकअप करके ले जाऊंगा, ठीक है? अब ये क्या इशारा कर रही है? और एलेक्स कहाँ है? वो वहाँ है, वहाँ। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? आर्डियन सीख खेल रहे हो क्या? मैं ये नहीं मानूंगा। व्हाट? हे, ऐसी कौन सी बातें जो मैं नहीं मान सकता? ये मेरा घर है और कोई यहाँ नहीं आएगा, समझ गए? मैं डिसाइड करूंगी। तुम्हें वो कमरा खाली किए हुए 30 साल हो गए हैं। मैं हाउस ओनर हूँ, मुझे ही डिसाइड करना होगा किसे किराए पर रखना है और नहीं। डिसाइडिंग अथॉरिटी मेरे पास है। जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा रूम? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मरियम, आर यू रियली सीरियस? दिस इज वेरी रिस्की। मुझे लगता है ये हमें किसी और के साथ करना चाहिए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने के लिए कोई इंतजार कर रहा है? तुम पागल हो। ऐशु, मेरे जीवन के 30 सालों में मैंने कभी भी अपने लिए नहीं जिया है, तुम्हें पता है? एक्साइटमेंट और ये खुशी कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। मैं जो कुछ भी खरीदना चाहती थी या अच्छी तरह से बात करने के लिए भी उस वक्त कोई नहीं था। मैं आखिरी 3 महीनों में कोई अजनबी कहेगा तुम्हारा पति नशे में धूत है और नंगा पड़ा है, और उसे ले जाओ और चले जाओ। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ ऐशु, मुझे दुख हुआ ऐशु, बहुत ही दुख हुआ। मेरे लिए कभी गोद भराई, रस्म या समारोह नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार कभी घर नहीं आए क्योंकि वो उन्हें गालियां देता था, बहुत गंदा बोलता था। मेरे पैर सूज जाते थे ऐशु, मैं सुबह 5 बजे होटल जाया करती थी। तब आप होटल चलाते थे? हाँ, हमने सब कुछ खो दिया। 19 साल की उम्र में वो मेरे हाथों में था, तब से मैं काम कर रही हूँ।
ऐशु, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं अब उस पल का आनंद लेना चाहती हूँ जो मैंने 19 साल की उम्र में खो दिया था। ये सब मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है ऐशु। ये ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ? ये कोई मदद या दया नहीं है। ये मत सोचो कि मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ या मुझे सिंपैथी की जरूरत है। हम दोनों किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उसकी शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी यशु। किसी तरह हम बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करेंगे यशु। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ यशु, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसा जैसा कुछ भी नहीं है यशु। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक गर्भ है यशु। क्या आपको पता है दोस्ती क्या होती है? क्या आपको पता है मरियम कौन है? मेरे पास केवल गर्भ है। ले लो, ले लो, ले लो। ये सब कुछ कान लगाकर सुन रहा था। मैं इतना नाराज होकर गया और आप दोनों यहाँ पर हंस रहे थे। क्या चल रहा है? ए, चुप हो जाओ। कल सुबह 9 बजे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट मिला है हमें। हम दोनों पक्का वहाँ पर जाएंगे। जिसका आने का मन होगा वो आएगा, नहीं तो यहीं बैठकर खाएगा। आओ यशु। माँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है वो आपस में कुछ डिस्कस करे। दोस्त, मुझे एक छोटा सा डाउट है, अंदर बच्चा लड़का होगा या लड़की? ठीक है, मैं पूछ लूंगा। माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जरा मेरी सिचुएशन तो देखो। यहाँ मुझे कायल के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अपनी माँ के साथ हूँ। माँ तो आप प्रेग्नेंट हैं? ओह मैम, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। जरा उसे देखो। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? कुंडली में दोष की वजह से मैं 40 साल की उम्र तक शादी नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि एक बच्चा तो पैदा कर ही लूं। मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ रिकमेंड किया, इस वजह से आ गई। अरे रे रे, सो सॉरी मैडम। इट्स ओके मैम। ऐशो, मेरे बगल में जो औरत बैठी है ना, इसकी कुंडली में प्रॉब्लम है। ओह, दैट्स सो सैड। ये लोग बात क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ऐशो, यहाँ मर्द लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं। धीरे बोलो, वो औरत है। हाँ, सॉरी। हाय। हाय। कितने महीने हुए? 3 months। हाँ, मैं भी एक बच्चा पैदा करने वाली हूँ इसके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर मरियम कौन है? हाँ, मैं हूँ। कम, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी मैम, कम। पेशेंट्स फाइल। हेलो, बैठिए यहाँ। हेलो, प्लीज सिट। हेलो डॉक्टर, हम आपसे प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने आए हैं। ओह, क्या इनके लिए? लेकिन अपॉइंटमेंट तो आपके नाम पर थी। नर्स? यस मैम। नहीं नहीं, वो इन्हीं के लिए था। हाँ। ओह, प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज। और ये कौन है? वो मेरा बेटा है। ये उसकी फ्रेंड है, लेकिन अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये नर्स मुझे घूर क्यों रही है? नर्स, अगले पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट चेक करो। ओके मैम। उसके बाद मेरे पास आना। यस मैम। क्या आप अभी प्रेग्नेंट हैं? नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ इस बारे में डिस्कस करने आए हैं। क्या मतलब? हम दोनों हैं। ओह, ऐसा क्या? एज 50, क्या आपको कोई मेनोपॉज सिम्टम्स है? नहीं ना ना ना। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। हाँ, पर ये रिस्की है। मरियम, मैं तो पहले ही कह रहा था ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये कुछ भी बोलेंगी, इनकी बात मत सुनो। चलिए 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 ना। तुम जाओ। अरे प्लीज, तुम जाओ, मैं प्लीज। मैं बात करके आती हूँ। जाओ, तुम जाओ। जो करना है कीजिए। सॉरी डॉक्टर, सॉरी। प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, इवन फीड्स आने के भी चांसेस होते हैं। ये रिस्की है बहुत। लेकिन आप इस उम्र में प्रेगनेंसी क्यों प्लान कर रही हैं? आपका हस्बैंड कहाँ है? एक्चुअली वो अब इनके साथ नहीं है। ओह, तो फिर डॉक्टर, हमें एक ग्रीन आईज वाले स्पर्म डोनर की जरूरत है। यानी ये एक डोनर है और मैं हूँ IVF कैरियर। हमें इसके प्रोसीजर के बारे में पता चला है।
मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या आप एक्सप्लेन करेंगी? अगर ये एग डोनर है तो आपके एग का क्या? अरे नहीं, मुझे केवल इसका ही एग चाहिए। तो इसके लिए वो IVF करवा सकती है ना? नहीं, एक्चुअली मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है। I have it since 5 years, तो इसलिए मैं अब बच्चा नहीं कंसीव कर सकती। But I really want to have a baby. Oh, तो अब मैं समझी है। लेकिन वो सैरोगेसी की कैटेगरी में आती है और इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ये सैरोगेसी जैसा नहीं है। सैरोगेट माँ बच्चे को जन्म देने के बाद अपने साथ ले जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। ये ऐसा नहीं है। अपना ये एग डोनेट करेगी, मैं बच्चा पैदा करूँगी और फिर बच्चे को पालेंगे, है ना ऐशु? बुरा मत मानिए, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग होमोसेक्सुअल हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, पर इस एज डिफरेंस में ये पहला केस है। नहीं नहीं, हम होमोसेक्सुअल नहीं है, वी आर स्ट्रेट। ओह ओके, दैट्स नॉट इशू, दैट्स योर पर्सनल, और हम इसके आधार पर आपको जज भी नहीं करेंगे। ओके, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सो इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ये बेसिकली आपको काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीन, ब्लड टेस्ट और इस तरह के कई सारे प्रोसीजर्स। और अगर आप चाहती हैं कि स्पर्म डोनर ग्रीन आईज वाला हो तो ये मुश्किल है। या तो हमें ये बाहर से मंगवाना होगा या फिर नॉर्थ इंडिया से। बाय द वे, इट्स विल बी एक्सपेंसिव। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड इट कॉस्ट डॉक्टर? From 4 to 6 lakhs. अरे बाप रे, बहुत महंगा है। ऐशो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? पापा ने सेविंग तो की थी शादी के लिए। हाँ हाँ, आई हैव इट डॉक्टर, आई हैव इट। इज इट ओके? क्योंकि हमें ये अब्रॉड से मंगवाना होगा। आप अब्रॉड में ट्राई क्यों नहीं करते? एक्चुअली मरियम और मैंने गूगल पे सर्च किया, सो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अगर ये इंडिया में ही होगा तो ये चीप और बेस्ट होगा, तो इसीलिए हम यहाँ आए। So, आपने अच्छे से प्लान कर लिया है? हाँ, हमने कर लिया है। ओके, नर्स टेल मी, डॉक्टर अरेंज दी स्कैन एंड ब्लड टेस्ट फॉर हर। ओके, कम से कम 3 सेशन तो लेने पड़ेंगे। उसके पहले स्कैन करके यूट्रस का कंडीशन देख लेते हैं। और आप अपने पीरियड्स के डिटेल दे दीजिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट योर ओवुलेशन टाइम। यू नीड योर मेडिकल चेकअप बिकॉज यू आर द एग डोनर। ओके, आपको टेबलेट्स लेनी होगी। और मैम, आपके पीरियड्स रेगुलर तो है ना? हाँ, हर 30 दिन में 3 दिन के लिए करेक्ट टाइम पर आता है। ओके, तो हमें स्पर्म बैंक से बात करनी होगी। हमें ओवुलेशन साइकिल के आधार पर डेट फिक्स करनी होगी। तो अगर आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग अच्छी होगी तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे और अगली डेट फिक्स कर लेंगे। ओके ओके, क्या अब हम जाएं स्कैनिंग के लिए? यस यस, यू कैन गो। थैंक यू डॉक्टर। मैम, आप थोड़ा वेट कीजिए। आई विल कम। ऐशो, अब से अगर कोई पूछे तो बता देना कि हम दोनों लेस्बियन है, ठीक है ना? क्यों? ये गर्व की बात है। क्या यार, तुम्हारी माँ आज ही बच्चे को जन्म देने वाली है क्या? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत समय है, देखते हैं ना। हद है यार, मैं कायल से क्या कहूंगा, ऑलरेडी हमारे बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सिंगल मदर, डिफरेंट रिलीजन, बाप जो छोड़कर चला गया, अब एक और इशू। मुश्किल समय है यार, कायल से छिपाना ही बेहतर होगा। वैसे भी 1, 2, 3, 4, 9 महीने में बेबी पैदा हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद बेबी को ऐशु को सौंपने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे बेवकूफ, जानते हो दोनों ने डॉक्टर से क्या कहा? कि वो दोनों मिलकर बच्चे को पालेंगे। हम इसे बाद में संभाल लेंगे यार। अच्छा, और तब तक कायल घर पर आएगी तो मैं क्या कहूँगा? तुम्हें उसको संभालना होगा। क्या कहूँ? ये कहूँ कि मैं अपनी माँ की कोख में हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कैसे? कुछ हफ्ते तक माँ को बम्प दिखाई नहीं देगा और जिस दिन ये दिखाई देगा हम उसे ऐशु के घर भेज देंगे, बस। अरे माँ, मार क्यों रही हो माँ? हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मुझे पहले ही मार दिया माँ। हे, क्या तुम दोनों मुझे इस घर से बाहर निकालने का प्लान बना रहे हो? क्यों, आखिर इसमें गलती क्या है? वैसे भी आप हमारी बात ही नहीं सुन रही। पड़ोसी सवाल उठाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा। वो हमें अलग तरीके से देखेंगे माँ। कायल यहाँ पर आएगी, ये अच्छा नहीं रहेगा माँ, सच कह रहा हूँ। तो क्या हुआ, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, हमें इसे परेशान नहीं होना चाहिए। हमें जो करना है वो करना चाहिए। तुम ये सब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर के रील के रूप में सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ भी ऐसा ही कर रही है तो क्या तुम्हें शर्म आएगी? सुनो, अपनी इच्छा अनुसार काम करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। जब मैं तकलीफ में थी तो कोई मेरी मदद करने नहीं आया था, तो
अब मैं दूसरों की चिंता क्यों करूं? मैं इसी घर में रहूंगी। मैं तुम्हारे कायल के खातिर इस घर को नहीं छोड़ूंगी। जिनको पसंद है वो यहाँ रह सकते हैं, जिन्हें बुरा लगता है वो यहाँ से जा सकते हैं। माँ, करेक्ट पॉइंट। ए, माँ ने जो कहा वो सही है यार। ए, पागल, डबल गेम खेल रहा है क्या? माँ, आप मेरी बेइज्जती कराना चाहती हैं क्या? अभी तक मैं अपने ऑफिस में ये कहता रहा कि मेरे पापा अब्रॉड रहते हैं, है ना? यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी हमने यही कहा, तो फिर अचानक से आप बहादुर कैसे हो गई? हे, तुम ये क्यों कहते हो कि वो भगोड़ा अब्रॉड में है? कह दो कि वो मर गया है, मुझे खुशी होगी, मैं अपनी खुशी के लिए जी रही हूँ, वो भी ऐशु की वजह से। हाँ, क्या? आजकल हमेशा आयशु का ही नाम ले रही हैं। तो क्या हुआ? दोनों लोगों का साथ में घूमना, एक दूसरे को खाना खिलाना। हाँ नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ, क्या आप 50 साल की उम्र में लेस्बियन बन गए? मारूंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह से बात करने की? सॉरी माँ, तुम उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हो और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लेस्बियन है कि नहीं? हाँ, उनका सपोर्ट करना तो करो, नहीं तो छोड़ दो, समझे? मुझे ये बताओ, क्या दो औरतें एक घर में बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं रह सकती? इसमें गलत क्या है? अगर मैं और ऐशु लेस्बियन है तो रहने दो, तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? तुम जाओ यहाँ से। माँ, निकलो यहाँ से। बढ़ाया सवाल करने। ये तो अपनी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है यार। यार बस बस हो गया। फैसला किया, जो भी कहा उसने ये नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। अरे रास्ता चुना नया, दुख नहीं भूली वो, आ रहा चांद है, रहने दो रहने दो। आसमां की तरह जीवन की बहार, छोटी छोटी बूंदों में रंगों की फुहार। गांव में मुस्कुराहट, जो कुछ है जो दिल में दबा रखा है, ये लड़का वही है जो रस्ते में तो आया है। रे तंदा ना बनता तू खुदा ना, तंदा ना बनता तू खुदा ना। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात तो सुनी नहीं। इस एज में ये जरूरी है क्या? एज इज जस्ट अ नंबर। माँ, अरे ऐसे खुद को तकलीफ दे दी रहेंगी। मैंने तुम्हें भी इसी तरह जन्म दिया है। हो गया कि और बचा है? अरे और हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं करो, ये कॉमन बात है। अब हुआ कि नहीं? हाँ हो गया, ठीक है, बढ़िया। ऐशो, हाँ? मुझे ये टैबलेट नहीं चाहिए, बहुत कड़वी है। ऐशो, ये इतना कड़वा नहीं है मिरियम, आपको ये लेना ही पड़ेगा। ओके, ये लो, दैट्स ओके, यू विल बी फाइन। आई विल मसाज योर फीट नाउ। एलेक्स ने मुझसे बात की, तुम्हें पता है? हाँ, मैंने देखा। हम इस बच्चे के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, है ना? विद ग्रीन आईज, ये बहुत क्यूट होगा। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, मुझे दो, मैं कर लूंगी। अरे दो ना बेटा। हे, शांति से खाना बनाकर खा भी नहीं सकता। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों परेशान कर रही है? हाथ हटाइए, क्या चाहिए? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है, उस बारे में सोचा आपने? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है, कोई नहीं जानता, लेकिन जब लोग पूछेंगे कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है, किसका बच्चा है, तो मैं क्या कहूंगा, ये कभी सोचा है आपने? इस उम्र में आपको शर्म नहीं आती? कम से कम आप में थोड़ी थोड़ी सी भी समझ होती तो ऐसा नहीं करती। ये हमारे लिए नहीं है, ये ऐशु के लिए। क्या ऐशु? कौन है ऐशु?
मैं पूछ रहा हूँ कौन है आयशु? आयशु मेरी दोस्त है, ठीक है। मैंने सोचा था कि मेरे सारे दोस्तों को मेरी माँ के बारे में पता होना चाहिए। मैं सोचता था कि मेरी माँ के सामने मेरी लाइफ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपके लिए सब कुछ करता रहा, आपको सब कुछ बताता रहा, यहाँ तक कि अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाया, पर बदले में आप क्या कर रही हैं? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आप बिना संकोच के मुझसे कैसे बात कर सकती हैं? मतलब कैसे? क्या बोल रहे हैं? तो ये एक छोटी सी कौन बात सी है? छोटी बात है, बताइए कौन सी छोटी बात है? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक मैं आपसे बात ना करूँ मुझसे बात मत कीजिए, क्योंकि मैं सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है। आखिर उसके लिए आपको ये करने की जरूरत क्या थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हो, आप ही तो परेशान कर रही हैं। परेशान कैसे नहीं होऊंगा? 14 साल की उम्र में शादी करना आसान है, और आप चाहती हैं कि मैं ये मान लूं कि आपको 14 साल की उम्र में शादी करने के लिए फोर्स किया गया था? आपको क्या बोलूं, मैं आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करती। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, नहीं, तू अपनी जुबान पे लगाम दे। मैं क्यों जुबान पे लगाम दूं? मैं कह रही हूं, आपको पता है क्या, मुझे अपने बाप पर आज गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा कम हो गया, जानती हैं क्यों? क्योंकि आपकी वजह से ही वो हमें छोड़कर गए होंगे। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे शांति से जीने दीजिए, प्लीज। हाथ जोड़ता हूं। हे यार, उठना। तुम घर के बीच में क्या कर रहे हो? तुमने तो स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की है, अब क्या पढ़ रहे हो? हाँ, उठ उठ जा। अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताना प्रॉब्लम क्या है। पता नहीं, मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब। क्या डिस्टर्ब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी माँ के इस केस को कैसे हैंडल करूं। जब उन्हें सुबह उल्टी हो रही थी तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगा कि मुझसे बेहतर उनका ख्याल कौन रख सकता है। पर जब उन्हें उल्टी हो रही थी वो तब भी खुश थी। मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए? तो क्या? दूसरी तरफ कायल है। मुझे नहीं पता कायल इसे लेकर कैसे रिएक्ट करेगी। देखो यार, इस मामले को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। तुमने मिरियम माँ का चेहरा देखा है ना, कितना ग्लो कर रहा है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है, वो इस समय बहुत ज्यादा खुश है यार। सो इस पल को जीना सीखो यार, ठीक है? फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो यार, और तुम फालतू की बातों को सोचकर अपना भविष्य खराब मत करो। नहीं भाई, मुझे नहीं पता इसे हैंडल कैसे करूं, मिक्स्ड इमोशंस हैं। ठीक है यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? मुझे देखो, आखिर मैं तुम्हारे घर में क्यों रह रहा हूँ? तुम्हें ये लगता होगा कि हमारी दोस्ती के लिए ना? नहीं यार, मैं बचपन में अपनी माँ को खो दिया, माँ के प्यार के लिए तरसता रहा, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे माँ के प्यार की कमी है। मेरियम माँ ने मुझे हमेशा खुश रखा, मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया और बहुत ख्याल रखा मेरा। और जब ये प्रॉब्लम आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँ कि उसका सपोर्ट करूँ यार। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मेरियम की खुशी हमारे लिए सब कुछ है। तुम क्या कहते हो? मैं समझ गया। हाँ? मुझे सोचने दो। ठीक है, अच्छे से सोचो। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, हम हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही कम समय बिताते हैं यार, ओके? फिर हम अपने काम, फैमिली और बाकी के सब कामों में बिजी हो जाएंगे। जब तक हम साथ हैं उन्हें खुश रखना चाहिए। इसको एडवाइस के रूप में मत लेना यार, मैंने वही कहा जो मैं जानता हूँ, एक्सेप्ट करो, ओके ना? ठीक है, चलो यार, दम मारते हैं, आओ अभी तुरंत करके। अरे ठीक है यार, आओ ना, एक और लेते हैं, आओ। कौन है? कौन? ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे। नहीं नहीं, किसका फोन आ रहा है? स्पैम, स्पैम। हाँ? स्पैम? हाँ? मैं कोई कॉल नहीं उठाने वाला। क्या ये सच में स्पैम कॉल है? और कौन कॉल करेगा तुम्हें, वही बेकार के लोग। अरे पागल पागल, चांदी भी हो, क्या कर रही हो? हेलो, जरा भी दिमाग नहीं है क्या? बाहर में जाओ। क्या? अरे वो क्या? एलेक्स सुनो तो, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। हाँ
कौन कॉल करेगा तुम्हें? वही बेकार के लोग। अरे पागल पागल, जानती भी हो क्या कर रही हो? हेलो एलेक्स, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है यार, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। सारा भी दिमाग नहीं है क्या? बाहर में जाओ। क्या? अरे वो क्या, एलेक्स सुनो तो, उन्हें ये टैबलेट टाइम पर देना। ओके हाँ ठीक है, हम इसे मेडिकल शॉप में ले जाएंगे। तुम इसे मार क्यों रहे हो यार, संभालो। अच्छा खासा घर में रह के अपना काम करती थी और सीरियल देखती थी, देखो तुमने उनके क्या हालत कर दी है। अरे यार क्या हो गया है उन्हें? उसके लिए अब इसको क्यों मार रहे हो? हे तुम ठीक हो ना? हे यहाँ पर ड्रिप वगैरह कुछ है ही नहीं, ये कैसा हॉस्पिटल आप चला रही है? डॉक्टर कहाँ पर है? बुलाइए उन्हें। आइए डॉक्टर। कम, तुम इधर आओ यार, उन्हें जांच करने दो। जाओ ना। मैम बीपी और शुगर बॉर्डर रेंज में है। ओके डॉक्टर। एक वीक तक रेस्ट कीजिए और अच्छा खाइए, अगर ऐसा ही रहा तो आपको टैबलेट्स और इंसुलिन लेना पड़ सकता है। Who is taking care of her? We are taking care. आप लोग सब साथ ही हैं? देखिए बीपी और शुगर की ये बॉर्डर रेंज है, अगर ज्यादा कुछ होता है या इन्हें कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो यहाँ लेकर आइए। अभी तो ये नॉर्मल है लेकिन नेक्स्ट वीक इन्हें जरूर लेकर आना, भूलना मत। ओके टेक केयर मैम। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ओके डॉक्टर। मेरियम ये सब नहीं खाना चाहिए अभी। अरे मेरियम माँ क्रीम बिस्कुट क्यों खा रही हो? मुझे तो भी इसकी जरूरत है। वो तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? ए एलेक्स, तुम्हें चाहिए? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ? अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तीनों मिलकर चिल्लाकर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। आराम से चलाओ, अवॉइड करो ऊबड़ खाबड़ रास्ता, अवॉइड और स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाओ। तुम कैसे कह सकते हो कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं होंगे? वो तो होगा ही ना। ठीक है ना आयशु, मैं ठीक हूँ। आयशु इस ये सब सूख गए, देखो ले थे लेकिन सब सूख गए, ये बहुत गर्म है। इधर भी लो इसे सुखाओ, सारे के सारे सूख गए हैं। इसमें पानी नहीं डालता, पानी कहाँ से डालेगा? वो लड़की के पीछे ही रहता है हमेशा, फुर्सत ही वो ऊपर स्मोक कर रहा है, सबसे छुप के है ना? ये सब आदत ठीक नहीं है, है ना? वो नीचे आएगा तो उसे डांटना तुम, ठीक है? फालतू में टेंशन ले रही। अरे बाप रे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? कभी कभी टायर्ड महसूस कर रही हूँ। ओके देन कम लेट्स गो। बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है, दर्द भी सहना पड़ रहा है। कम ऑन लेट्स गो। हे देखो जरा उसे, इसका पति तो दुबई में है और ना तो हमने कभी उसे देखा और अब ये प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने पति को छोड़ दिया और अब इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहती है, इतनी अजीब बात है ना ये सब। ओह क्या ये एलेक्स की गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं विश्वास कीजिए। ओह अरे भगवान, एक बात है। वो क्या है? पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी पर अब वो नहीं आती है, पता ऐसा क्या? और अब ये उसके लिए सब कुछ है। अच्छा तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो कुछ IVF EPF ऐसा कुछ है जिससे वो बिना पति के प्रेग्नेंट हो सकती है। हाँ। ओ बाप रे, तो हमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? हाँ हम लोग भी ऐसे बच्चे पैदा कर लेते हैं। एक नया ऐप लॉन्च किया है, नाम है थ्रेडस। ये क्या है? हे आमिर, तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कॉलेज के दिनों में मुझे एक लड़की पर क्रश था, फिर वो मेरी दोस्त बन गई और मेरी लाइफ में ट्रेवल करने लगी और समय बीतता गया। हे आमिर, बट यू नो उस दिन तुमने बोला कि तुम्हें मुझ पे क्रश था, डिड यू रियली मीन इट? नो नो, अरे कॉलेज में मुझे कई लड़कियों पे क्रश था, उनमें मुझे टीचर्स और स्टूडेंट्स और भी थे, लेकिन उस समय तुम बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अभी तुम मोटी हो गई हो पर मेरे जैसे नहीं। ना देखो तुम बुरा मत मानना, मेरी शादी एक तय शुदा शादी होगी। अरे बहुत दर्द हो रहा है, क्या जरूरत थी इसकी, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐशु को मोटी कहने की? यह पूरा मेल्ट हो गया है। माँ तुम्हें सब नहीं खाना चाहिए, दो मुझे। ए छोड़ो मुँह, मुझे खाना है। नहीं नहीं दो मुझे, रखो यहाँ। योगा सेहत के लिए अच्छा होता है, आई टीच यू, यू लर्न, ओके कम। मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल लूंगी। योगा ठीक है ठीक है ओके। थोड़ा टाइट है, टाइट। तुम नहीं कर सकते, चलो उठो। ऐसे नहीं करते हैं।
ध्यान से इस तरह बैठो, दोनों पैरों को इस तरह से बैंड कर लो, ठीक है? दोनों पैरों को इस तरह से पकड़े रहो, देखो अब एक साथ जुड़ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही, 1 2 3 4 वाह, कैसा? बहुत बढ़िया माँ, अब मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें एक और सिखाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अशु को मोटी कहने की? चलो आगे जाओ, ठीक है, अब मुझे अपना हाथ दो। मैं अपना हाथ ऐसे नहीं, अपना हाथ पीछे दो, तुम बॉडी शेमिंग करते हो। कायल का मूड सही नहीं लग रहा यार। ए, रुक रुक, ओके 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 ओके, हे सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। ओके तो चलो चले। कहाँ? तो तुम्हारे घर। क्यों? तुम्हारे माँ से मिलने। तुम्हारे पास फोन है, कॉल करके बात करूं? मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। मेरी माँ घर पर नहीं है। कहाँ चली गई वो? शहर से बाहर गई है। कहाँ? वो कन्याकुमारी गई है। वो वहाँ क्यों चली गई? थिरुवल्लुवर दर्शन के लिए। बस इतना। लेकिन अचानक क्यों? क्योंकि अब तुम अपने सवाल पूछना बंद करोगी? जब तुमने पूछा तो मैंने जवाब दिया, लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ तो क्यों नहीं जवाब दे रहे? देखो, तुम मेरे सवालों का जवाब आसानी से देती हो, लेकिन मुझे बहुत सोचना पड़ता है। अब सच बताने में सोचने की क्या जरूरत? तो क्या अभी तक मैं तुमसे झूठ बोल रहा था? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं एक झूठे की तरह दिखता हूँ क्योंकि मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी है या कुछ और? हाँ जरा चेक करता हूँ। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ ये किस तरह का परफ्यूम है? हाँ ये क्या है? मिरियम, अच्छे से रेस्ट तो ले रही है ना? अरे डॉक्टर, मेरा हाथ देखिए, ये हर 10 मिनट में मेरा बीपी चेक करते हैं, अब मेरा हाथ सूज गया है। ये मुझे सब कुछ खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये रात में भी हर 10 मिनट पे बीपी चेक करते रहते हैं। मैं अपनी शांति खो बैठी हूँ, मैं अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहती थी, पर इन तीनों की टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अब और ज्यादा ये सब सहन नहीं कर सकती डॉक्टर। पहले तुम अपना पेट कम करो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इनको आपकी देखभाल की जरूरत है और आप लोग इस तरह से उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं? अच्छे से सुनिए, इनका माइंड फ्री और हैप्पी होना चाहिए, इसके लिए आप इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने आपको इनका बीपी चेक करने के लिए कहा था, इसका ये मतलब नहीं कि आप हर 10 मिनट में चेक करें। पागल कहीं के। इन्हें डांटो, इन्हें अच्छे से डांटो। क्या मैं क्या हर एक घंटे पर चेक करूं? क्यों क्यों? आपको हर 4 से 6 घंटे में चेक करने हैं। लिखो लिखो लिखो। आप ये लिख क्यों रही हैं? क्या पागलपन है? आप इन सब लोगों को बाहर भेज दीजिए और 2 दिनों तक आराम कीजिए। क्या मैं नर्स को आपके पास बीपी चेक के लिए भेज दूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
हम इनका ध्यान रखेंगे ना। देखिए अगली बार से मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। मैं नहीं कर सकती डॉक्टर, नहीं कर सकती। प्लीज इन्हें ले जाइए और अच्छे से देखभाल कीजिए। मरियम चले, आपका हाथ सूज गया है। हमें आराम बताना तो चाहिए था ना आपको, क्या करती है आप भी ना। चलिए आ जाइए, उठिए, चलो। मैं जाऊँगा। अरे इनका ध्यान रखिए ना। ओके ओके। ये तीनों मिलकर मुझे टॉर्चर करते हैं। आराम से चलो, आ जाओ। ये गलत बात है मरियम, बहुत कंप्लेन किया डॉक्टर के सामने। चुप रहो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। ठीक है ठीक है, अब हर 6 घंटे पे चेक करेंगे। ओके, मैं पहला हूँ। ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके। और तुम सेकंड हो, ठीक है? तुम तीनों मुझे टॉर्चर कर रहे हो। डोंट वरी, हाँ डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। ओके, डोंट वरी, ओके राइट? ऊपर वाले, अरे ऊपर वाले, क्या बेवकूफी है। ए ड्राइवर, ए ड्राइवर, धीरे चलाना। मरियम, आर यू ओके? ए ड्राइवर, ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तुम चिल्ला रहे हो, मेरा बच्चा सिर्फ सच नहीं गिर रहा है। मैं परेशान हूँ, किसको हायर क्यों किया? कैसा बेवकूफ सा इंसान है, बिल्कुल भी अकल नहीं। हाँ माँ, क्या कर रही है, क्या कर रही है माँ? ये लो, चलो यहाँ से। देखो तुम सभी 2-3 दिन के लिए कहीं ना कहीं चले जाओ, मैं शांति से रहना चाहती हूँ, समझ रहे हो ना? देखो ऐशो, तुम अभी के अभी घर जाओ। मरियम, अगर कुछ हुआ तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं कहाँ जाऊँ, ये घर तो मेरा है। तू कहीं जंगल में, खेतों में या कायल के पास कहीं भी जाओ, समझ गए? वो इस बात से नाराज है कि तुम उसके साथ टाइम नहीं बिता रहे हो। जाओ जाकर मिलो उससे, निकलो यहाँ से। और अगर मुझे फोन करके डिस्टर्ब किया तो मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर दूंगी, ठीक है? चलो जाओ अब, चलो निकलो। इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करके रख दिया है, अब क्या करूँ? अब क्या करें? आमिर, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला था ना, जल्दी आओ मेरे घर। ठीक है, ओके, फोन रख। हे, तुम इनर वेयर लेकर आए हो ना, तो इतनी जल्दी क्या है? मेरी माँ ने हमें घर से निकाल दिया। कपड़े तक पहनने नहीं दिए, मुझे मेरा बैग दे दिया, जो भी कपड़े हैं। ठीक है, ये तो मुझे पहले से ही पता था ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो वो हम में से ही किसी को कॉल करेंगे, तो प्लीज अपने फोन का चार्ज और सिग्नल चेक कर लो। तेरे कार में केबल नहीं है क्या? नहीं यार, ठीक है, चार्ज एकदम सही है। अब क्या है? यू नो व्हाट, नाउ We have to sleep, all right? अब हम तीनों सोएंगे, turn by turn, 3 hours each. We'll repeat the same, okay? क्या बोलते हो? अब मुझे बताओ कौन सोएगा पहले? मुझे. अब तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मुझे कल ऑफिस जाना है और कंपनी को कार सौंपनी है, इसलिए. ठीक है, सो जाओ. ओके, ठीक है, पर मेरे पास एक और आइडिया है. हम तीन हैं, हम में से 2 हो सकते हैं, एक जाग सकता है, ठीक रहेगा ना? बताओ, हाँ, दिमाग लगाना। अच्छा, अगर 2 लोग सोएंगे तो बचा एक इंसान तो बोर होगा ना, और अगर वो सो गया तो अपना थोड़ा सा दिमाग। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। ऐसी सारी रात चलता रहेगा, कल मुझे पेट्रोल के पैसे दे देना। ए एलेक्स, तुम उस लड़की कायल से क्यों नहीं मिल रहे हो आजकल? अब ये क्या है, जब भी तुम बोर होती हो तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में बात करनी होती है? नहीं ऐसा नहीं है, बस आजकल तुम उससे मिलते नहीं हो तो मुझे लगा कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो क्या चाहती हो, कि बाकी जितने भी हैं उन सबका ब्रेकअप हो जाए? यही सब चलता रहता है क्या तुम्हारे दिमाग में? हाँ, गेट लॉस्ट, खुद को देखो पहले। Let me listen to some songs now. क्या? Come on. ना मैं सो सकती हूँ, ना मैं गाने सुन सकती हूँ, तो मैं करूँ क्या आखिर? हे ऊपर वाले, अच्छा होगा तुम सो जाओ, मैं ध्यान रख लूंगा। प्लीज इस गाने को बंद करो और सो जाओ। ठीक है, मैं सो रही हूं अब। क्या मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ? हे, हे, हम पब्लिक प्लेस पर हैं, थोड़ा धीरे बात नहीं कर सकती क्या? तो
मैं कब से कह रही हूँ तुम अपनी माँ को लेकर मेरे घर आ जाओ, पर तुम मानते नहीं। और जब मैं कहती हूँ कि मैं उनसे मिलने चलती हूँ तो तुम कहते हो बिजी है, बाहर है। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ अरे यार, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जरा मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है ये अभी जरूरी है? हाँ क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम आओगे, तो फिर अब क्या हो गया? तुम कुछ दिनों में बहुत चेंज हो चुके हो एलेक्स, अब तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करते। क्या तुम मुझसे बोर हो चुके हो? बताओ मुझे। देखो मुझे सच बताओ, एक्सक्यूज मत दो। देखो मैं सच कह रहा हूँ कायल, मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। देखो बहुत बहुत देखो कुछ है जो मेरी लाइफ में चल रहा है। तुम मुझे बता सकते हो एलेक्स, बताओ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे 3 महीने का टाइम दे दो। भाई 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 उठ जाओ, 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 6 बज गए, उतरो उतरो, चलो उतरो, चलो जल्दी करो। ओह माय गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। ओह जीसस, मैं इस बच्चे को जन्म देकर मैं आयुषु को दे दूंगी, और मैं उसके लिए ये सब कर रही हूँ। पता नहीं कौन मुझे प्रेयर के समय भी डिस्टर्ब कर रहा है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। डोर को तो लॉक भी नहीं किया है। हे, तुम लोग पूरी रात सोए नहीं? मैंने कहा था ना कहीं चले जाना, और मैंने तुम्हें कहा था कायल के पास जाना। क्या कर सकते हैं, मैं आराम से सो सकता था, मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं। मैं कुछ देर तक अपना पैर तुम्हारे ऊपर रखूंगा। हाथ दो मरियम, तुम्हारे हाथ पे इतने बाल कहाँ से आ गए? चुप रहो प्लीज। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप रहो ना। आई होप तुम्हारी बीपी अब नॉर्मल है। भगवान जी इस बार बीपी बस सही हो। हंस क्यों रही हो मरियम? प्लीज डोंट लाफ। अरे नहीं नहीं, ये मुझे मार रही है, ये मुझे मार रही है। क्या कहाँ से आ गए? यार वो क्या रहा आखिर? हे ओह माय गॉड, क्या कर रही थी मैं? सब यही बैठकर देख रही थी। भगवान, ओह गॉड, सब ओके है ना? हाँ ओह नो, अमित 128 कितना है? हाँ तो फिर ब्लू पेन है। हाथों की जादूगरी कहीं खो गई, कहीं खो गई। प्यास जब जब लगी फैल गए बादल, फैल गए बादल। आकाश में सभी बरसात हो रही, जीवन एक साथ मिलके बढ़ रहा। मेरी प्यारी कोख में सपना पल रहा, हंस रही झूम रही ताल पे नाच रही। वो भी माँ की तरह खुश है नजर आ रही, खुशी के हैं आंसू देव धरती पे आए हैं। खुशियाँ मनाओ चलो दुख को अब भुलाते हैं। कई कई दिन हमारे क्या हुए तन्हाई के, आई खुशी बिटिया अब आई रे।
की आंखों के सपने सजाए रे, बंधन विवाह का संतान लाए रे। अब खाने की बात बेटे उड़ा दो भाग की पत्तियां से। बिल्कुल सही है, परफेक्ट एकदम। क्या आसार है, देखो काफी एंटरटेनिंग है ना। हाँ, ये लोग बहुत एंटरटेनिंग है सच में। हाँ बिल्कुल। ए अब देखो ना, एलेक्स मजा आ रहा है ना, उधर देख। अरे अरे ये क्या कर रहे हो एलेक्स, हटो, हटो, पागल हो गए हो क्या? What are you doing एलेक्स? छोड़ो, क्या छोड़ो, अरे अरे एलेक्स मेरे मारियो, अरे यार बात सुनो, इज इट हॉट, अरे रुक मैं भी चल रहा हूँ, रुक जा एलेक्स, एलेक्स रुक रुक, देखो वो रही तो यहाँ पर है यार, अब उधर। कायल प्लीज, कायल कायल मेरी बात सुनो प्लीज, ओ कायल मेरी बात तो सुनो, कायल प्लीज प्लीज, कायल मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, एलेक्स बस करो, तुमने मुझसे सब कुछ छिपा कर रखा। कायल मैंने सोचा था कि डिलीवरी के बाद सब कुछ बता दूंगा, इसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अभी कुछ ना बताऊं। नहीं नहीं सिस्टर, व्हाट द हेल, सीरियसली कैसी फैमिली है तुम्हारी, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी माँ बिना पिता के प्रेग्नेंट है, मुझे तो सोच कर भी घिन आ रही है, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। क्या ये घिनौना है, क्या तुम्हें हम घिनौने दिखते हैं, बिना जाने कुछ भी मत बोलो। कायल ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा hey, तुम सोच रहे हो। यू शट योर माउथ, हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो तुम, अपने लिमिट hey, में रहो, तुम अपने लिमिट में रहो, जानती हो किससे बात कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को घिनौना कहने की, बहुत हुआ तुम्हारा, तुम एक काम करो, तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा परिवार चाहता है। एलेक्स बकवास मत करो तुम, मैं सच में चली जाऊंगी। जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें, मुझे अपनी लाइफ में मेरी माँ की बेइज्जती करने वाला नहीं चाहिए। hey, जल्दीबाजी में बातें मत करो यार, इसका हल निकाल दो। तू चुप रह। hey, वैसे भी तुम्हारे लिए मेरी फैमिली घिनौनी है, मैंने तुमसे ऐसा क्या मांग लिया था, मैंने यही कहा था ना कि मुझे 3 महीने का समय दो, तो किसने कहा था तुम्हें मेरे घर पर आने के लिए? तो इसलिए तुम मुझसे 3 महीने मांग रहे थे, तुम्हारी फैमिली का पास्ट इशू और अब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है, दोनों डिफरेंट है। सिस्टर, वो पास्ट था पर ये नहीं। देखो जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है माँ के लिए। इसे सच्चाई पता भी चल गई तो ये क्या करेगी, क्या ये जाके मेरी माँ से माफी मांगेगी और उनका आशीर्वाद लेगी, तुम्हें सच में लगता है ऐसा करेगी? सबसे पहले यहाँ से दफा हो जाओ और एक अच्छे लड़के से शादी करो जो एक अच्छे परिवार से हो जैसा तुम्हारे पापा चाहते हैं, तुम्हारे लिए तो मेरा परिवार घिनौना है। सही कहा, ये घिनौना है, तुम्हारी फैमिली घिनौनी फैमिली है, सबसे बड़ी घिनौनी बात ये है कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुमसे बात कर रही हूँ, जाओ और अपनी माँ का पल्लू पकड़ो, जाओ। मैं किसी और का हाथ थामूंगा, जाओ। क्या यार तुम उसे समझा नहीं सकते थे, लेकिन मैं तो उसे बता सकता था ना। तूने ही मुझसे कहा था कि इसे छुपा कर रखूं। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था वो पास था, अगर अभी उसे बताया होता तो समझ जाते, उसका मन बदल जाता। हे छोड़ उसे जाने दे, तूने सुना नहीं कि उसने मेरे परिवार के बारे में कितना बुरा कहा, जो भी जुबान पर आता है बोलती जाती है। हे क्या देख रही हो, तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, जाओ। मैं भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। हाँ बोलो, तुम लोग हो कहाँ पे आखिर, मॉम को लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हम आ रहे हैं। क्या हुआ? वो माँ को डिलीवरी पेन हो रहा है, जल्दी चलो चलो। दर्द हो रहा है शो। ओह माय गॉड, थोड़ा सा पेन हो रहा है। ओके ओके, डोंट वरी, डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ यू। मैं आराम करूंगी। हाँ, अरे नहीं, फॉर्मेलिटीज पूरा करते करते हमारी जान ले लेंगे। उस पेशेंट, डॉक्टर अनीता पेशेंट, प्लीज फिल दिस फॉर्म मैम क्विकली। ओके या जल्दी करो ऐशो। व्हाट आर यू थिंकिंग, राइट हर हस्बैंड्स नेम। क्या हुआ ऐशो? हस्बैंड्स नेम, अपना नाम लिखो। हाँ?
मैंने लिख दिया। You have written your name? Actually, मैं ही इनकी पार्टनर हूँ। Partner? I didn't understand. उनको दर्द हो रहा है। Nurse, please take her from here. बस बस, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो ना? हाँ, स्कूटी पार्क करो। चल चल चल। अरे संभल के। सॉरी डॉक्टर। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी माँ, मेरी माँ। आप लोग इस ड्रेस में अंदर नहीं आ सकते हैं। प्लीज ओटी क्लॉथ पहनिए और आइए। कौन सी ड्रेस? ओटी ड्रेस यहाँ पर रखा होगा। ये पहनकर तैयार रहिए। ओके। पता नहीं कैसे लोग हैं ये। अरे तुम जाओ, ट्रीटमेंट का ध्यान रखो। बड़ी आई। हे रुक, मैं भी आता हूँ। इज एवरीथिंग रेडी? रेडी डॉक्टर। आपने सब कुछ चेक कर लिया? यस डन। ओके, आर यू कंस्ट्रक्शन रेगुलर? नाइस। सीटीजी देना। ओके डॉक्टर, कितना डायलेटेड है ये? 3 सेंटीमीटर। ओके, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, यस डॉक्टर। डॉक्टर, इनके हस्बैंड यहाँ नहीं है, अटेंडर आए हैं बस। आई नो, शी इज माई पेशेंट। ओके डॉक्टर, सी सेक्शन को इमरजेंसी के लिए स्टैंड बाय में रखो। मेरम, इमरजेंसी सीजन? नहीं नहीं नहीं, बस इन केस की बात है। ये काफी अलग प्रेगनेंसी है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। बाकी और कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर, सब कुछ नॉर्मल है ना? बाकी सब कुछ ठीक है। बच्चों की तरह क्यों बोल रही हो? मैं ठीक हूँ, देख लो। लेकिन आप इतनी क्यों घबरा रही हैं? अगर आप चक्कर जैसा फील कर रही हो तो बाहर जाइए। नो दैट्स ओके, आई विल वेट हियर। ओके, इज एवरीथिंग रेडी? यस डॉक्टर। तुम नर्वस हो रही हो। स्टैंड बाय रेडी? देखो मैं कितनी खुश हूँ। परेशान मत हो ऐशो। गिव मी द जेल। एलेक्स मैसेज कर रहा है मुझे। उससे पूछो क्या हुआ है, जाओ। हाँ ओके। डॉक्टर, क्या मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा सकती हूँ? यस। हाँ ओके। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। टेक केयर। ओके, ऊपर पैर कीजिए। हाँ, थोड़ा सा दर्द होगा, घबराइएगा मत। हो गया, हो गया, बस हो गया। हो गया, घबराइए मत। हाँ, हाँ, क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? वो ठीक है अब? अरे ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा कि बीपी नॉर्मल है अब, लेकिन अभी अगर बीपी हाई होता है तो हमें सिजेरियन के लिए जाना होगा। ठीक है, डॉक्टर को कहो। हाँ, कि सीधा सिजेरियन ही। हाँ, 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 तुम कहो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है सी सेक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड है? ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाएगा ना, उससे दर्द महसूस नहीं होगा। मैं उनका बेटा हूँ। सो व्हाट? मेरी माँ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया से कर देंगी क्या? उनकी उम्र 50 साल है, लेकिन वो दरअसल थोड़ा दिमाग से। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। एक्चुअली उनका बिहेवियर थोड़ा सा बचकाना है, तो वो मैच्योरिटी के साथ बिहेव नहीं कर सकती, इसीलिए सीधा सिजेरियन ही कर दीजिए ना मैम। दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती? कम सी इनसाइट। कम, चल चल। अरे अंदर चलना। क्या तुम्हारी माँ दर्द से चिल्ला रही है? देखो जरा। सिस्टर, मेरा चेहरा थोड़ा डल लग रहा है ना, है ना? माँ तुम क्या कर रही हो? आयशु, डिलीवरी बैग में लिपस्टिक है, प्लीज मुझे दे दो ना, मेरा चेहरा थोड़ा डल लग रहा है। आओ एलेक्स। हे मेरी बूढ़ी माँ, मुझे लगा था दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं डॉक्टर से ये कह रहा था कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी करें, लेकिन यहाँ तो आप अलग अलग पोजेज में फोटोज ले रही हैं। अपनी डिलीवरी बैग में लिपस्टिक लेकर क्यों आई? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ए, क्या ये कोई फिल्म है? फिल्मों में बच्चों को जन्म देते समय चिल्लाते और तकलीफ करते हुए दिखाते हैं। मुझे केवल कॉन्ट्रैक्शन पेन होगा। सब पागल लोग हैं सच में। इनके कहने पर भी लिपस्टिक लेकर क्यों आ गई? इन्हें दर्द हो तो इंजेक्शन लगा देना, क्या लिपस्टिक लगाने से बच्चा पैदा हो जाएगा? मैं सुंदर दिख रही हूँ ना? ए, कम बिल्कुल, कम, सब लोग आपका। अरे आओ ऐशो, ऐशो इधर आओ। चलो आओ आओ, एक सेल्फी लेते हैं। अरे मैं प्रैंक कर रही थी, चुप रहो जरा। कुछ भी करता है। चलो ले रही हूँ, देखो इधर आ रहे हो ना? हाँ, क्लोज आओ। ठीक है। चलो इधर आओ। अरे क्या कर रहे आप, यहाँ मजाक कर रही हैं? हाँ अब ठीक है। क्या हुआ? अरे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर। मुझे लगता है कि माँ को दर्द हो रहा है, देखिए। व्हाट हैपेंड? माँ कॉन्ट्रैक्शन।
सिस्टर वन मिनट कम। आशो डॉक्टर प्लीज डॉक्टर माँ 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 ओह माय गॉड इट्स क्रोनिंग गेट रेडी हरी अप टेक द ग्लव्स माँ 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 क्या हुआ माँ सिस्टर गेट द ग्लव्स वेयर आर द ग्लव्स जल्दी करो डॉक्टर माँ इट्स ओके मैं बाहर जा रहा हूँ माँ सब ठीक हो जल्दी करो बी रेडी आराम से रहिए दूसरा ग्लव्स लेकर आओ डोंट पुश मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टेल हर नॉट टू पुश मैम मैम प्लीज डोंट पुश Nurse, relax, ma'am. Just feel relaxed. Don't push. I take care. Okay. Ma'am, please. Yeah, what's going on? Mariam, Mariam. Ready? Tell her to push now. Push, Mariam. Just a last push. Push. And here is the baby. The baby is born. Okay, okay. मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा ये मेरा घर है समझ में आ रहा आपको क्या 50 साल की उम्र में लेस्बियन बन गई है क्या कौन है आयशु और आपकी क्या लगती है आयशु बताइए क्यों मार रहा है अरे संभल के ये कौन सा परफ्यूम यूज कर रही है ये क्या है तुम्हारी फैमिली घिनौनी फैमिली है अरे कोई नहीं सब ठीक है कुछ नहीं हुआ है सर आप अभी तक यहीं पे खड़े हैं बाहर जाइए मैं आपको बुला लूंगी सर गो सॉरी 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 मैम आप भी जाइए तब तक हम बेबी को क्लीन कर लेंगे नर्स जल्दी करो किडनी डिश दो आई विल वेट आउटसाइड मरियम बाय मरियम कुछ नहीं हुआ बेटा सब ठीक है कुछ नहीं हुआ है मत रो हाँ मैं यही हूँ मैं अब तुम्हारी माँ हूँ बेटा मत रो ठीक है हे एलेक्स बच्चा पैदा हुआ ना ऐशु माँ कैसी है अरे तुम दोनों चुप क्यों हो बच्चा पैदा हो गया ना ग्रीन आइज है ना ग्रीन आइज है ना एलेक्स ऐशु तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो बात करो ना माँ कैसी है क्या हुआ क्या हुआ बच्चा पैदा हो गया हाँ बच्चा पैदा हो गया तुम्हें तो खुश होना चाहिए चुप क्यों हो हाँ खुश हो जाओ उसकी आंखें ग्रीन है ना सही कहा ना ग्रीन है ना ओह गॉड ओह गॉड क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं हाँ बच्चे का नाम बताओगे है ना एक्चुअली मैंने और मरियम ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है हे पागल ऐसा कुछ नहीं है वैसे भी तुम और माँ मिलकर बच्चे को पालने वाले हो तो आखिर क्यों ना हम एक परिवार की तरह रहें जैसे बच्चे के पैदा होने से पहले तक रहते आए हो तो तुम लेबर रूम में इसी के बारे में सोच रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं तो बस पहले से ही सोच रहा था सिर्फ तुम ही मेरी माँ का ख्याल वैसे रख सकती हो जैसे मैं उनका ख्याल रखता हूँ इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अच्छा तो इसीलिए तुमने कायल को जाने के लिए कह दिया था है ना she ditched you, right? ऐसा कुछ अब उसने छोड़ दिया इसलिए तुम हमारे पास आ रहे हो राइट नहीं
उसने इसे नहीं छोड़ा, इसने ही उसे भगा दिया। इस पर दया आ गई और वो रोती हुई चली गई। मुझे तो बहुत बुरा लगा सच में। लेकिन ये सब हुआ कब? ये तब हुआ जब तुम माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। हा? जब तुमने मुझे कॉल किया था ठीक उसी समय की बात है ये। हे, मॉम ने अब बेबी डिलीवर कर दिया है, चलो डायरेक्टली बात करते हैं ना। नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसे जाने दो, जाने दो उसे। उसे उसी लड़के से शादी करने दो जिसके साथ वो खुश रहेगी। ओ, तो वो उससे शादी करेगी जिससे वो पसंद करती है ना? और तुम हमारे साथ रहना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कई दोस्त अब उससे मिलने के बारे में सोचेंगे, उससे बात करेंगे जो उसके लिए मुझसे लड़ते थे। अफसोस वो सब उससे बिना मिले ही मर जाएंगे। कोई बात नहीं बॉयज, हम अगले जन्म में ट्राई करेंगे। डोंट वरी, सब ठीक है। जब मैंने पहले भी यही कहा था तो तुमने कहा था कि अजीब है, पर अब क्या? क्या ये स्पर्म के बारे में बात कर रहा था? उसी के बारे में बात कर रहा था। संभल कर, फिसलना मत। मौसम है। हे, ध्यान से हाँ। अरे क्या हो गया? ब्रो यहाँ क्या चल रहा है? अरे ये क्या, ये क्या? रिलैक्स प्लीज परिवार से राइट, टेंशन मत लो। प्लीज सर, अरे मुझे नंबर दे दो सर, नंबर दे दो प्लीज सर, फोन इधर दे दो। ये किसका बेबी है? अब कोई परेशानी नहीं होगी, टेंशन मत लो, उन्होंने इसे जन्म दिया, वो मेरी माँ है। मॉम? हाँ, और ये इन दोनों का, आपकी मॉम है? हाँ हाँ, इन दोनों का ही बच्चा है, सच कह रहा हूँ। से हाय। बाप रे, तो अब क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ड्राइव करो, मैं सब बता दूंगा रास्ते में। ड्राइवर 30 पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ चलाओ। Okay, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बच्चा पैदा हो गया है ना, 30 पर चला सकते हो। अरे बाप रे, मुझे अब क्या करूं, ऊपर वाले बचाना मुझे। ओ मेरा बेटा, अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा छोटा सा प्यारा बेटा, मेरा बेटा, मेरा सोना सा बेटा, सो जाओ, सो रहे हो। क्या हो गया? तुम लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो बार बार? प्लीज उतर जाओ भाई साहब, प्लीज उतर जाओ। वो देखो, यहाँ देखो, ये एलेक्स है, ये मैं हूँ। उसके पिता भाग गए थे, हम यही स्टोरी सुनाएंगे और तुमको भी बड़ा करेंगे, है ना? एलेक्स, तुमने देखा माँ मेरियम कितनी खुश है? हाँ, बच्चा पैदा हो गया है। हाँ। इसके बाद हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे, फैशन शो के लिए जाएंगे और वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ बच्चे को नहलाने के लिए पानी नहीं है और इन्हें वर्ल्ड टूर पर जाना है। जा जा, इसी तरह मैंने तुम्हें पाला है, चल जा यहाँ से, जाओ यहाँ से जल्दी। अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं, चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ ना, मुझे तो बच्चे को मैं अच्छे से साफ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये हमारा बच्चा है। ठीक है जाओ, मैं किसी और के साथ। चलो हम बच्चे को लेकर चलते। रोजा फूलों की रानी, लाइफ की मेरी कहानी। आपका लाइफ हाउस नहीं है, किसके लिए राह अलग है। पंछी हूँ रातों का, है ट्रेंड मेरी पहचान। सो काली बिन लेडी, मेरी खुशियों की जान। जाने मन कहानी, अब सुनती भी जाओ। गलती से भी तुम मेरी बातों को यारा, अब मत काटो। कहते सभी सारे, हम तो हैं हिट प्यारे, हम फिर चलेंगे जो हो। सुनने चला गाना, कठिनाई आएगी हाँ, और फिर कोई ना रोकेगा, कोई ना टोकेगा किसी भी बातों से। ओ
जानू ना बोलता है, नोट ना कहता है, हाँ। लंबा होने पर भी या जिम जाने पर भी नहीं लौटना, सब तो है एक जैसा, कहीं खेल की कोई सीमा नहीं है, ना आशाओं की उम्र पता है नहीं होती। पंछी हूँ रातों का, है ट्रेंड मेरी पहचान, सो कली बिन लेडी मेरी खुशियों की जान, जाने मन कहानी अब सुनते भी जाओ, गलती से भी तुम मेरी बातों को यारा अब मत काटो। La la la.